आज भी हमारे समाज में भ्रष्टाचार कोने कोने में लिप्त है और कहा भी क्यों ना जाए क्योंकि तस्वीरें सब कुछ बयां करती है। हाल ही में हमने आपको ऐसी ही तस्वीर एक पुलिसकर्मी की दिखाई थी जिसने घूस लेकर जो आरोपी थे उसके बाइक को छोड़ दिया था। और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है बिहार के बेगूसराय जिले से, जहां बेगूसराय में एक पुलिसकर्मी ने एक आरोपी के बाइक को सीज किया और सीज करने के बाद 10,000 रुपए की मांग की और उसके बाइक को छोड़ने की बात कही। ये पूरी वारदात जो है वो कैमरे में कैद कर ली गई। हालांकि आरोपी ने उसे 2,000 रुपए थमाए और 2,000 रुपए लेकर ही पुलिसकर्मी ने उसकी बाइक को छोड़ दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके कंधों पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो ही कानून का उल्लंघन करें तो आखिर हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा। आप पहले इस पूरे वीडियो को देखिए जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी किस प्रकार आरोपी से घूस के तौर पर 2,000 रुपए लेता है। पहले 10,000 की मांग करता है, फिर 2,000 में ही बात बन जाती है और बाइक को छोड़ दिया जाता है। बेगूसराय में एक बार फिर पुलिसकर्मी की करतूत सामने आई है, जहां खुलेआम एक पुलिसकर्मी गाड़ी छोड़ने के नाम पर रिश्वत ले रहा है। यह रिश्वत लेते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि लोहिया नगर थाने के पुलिस किशोर कुमार के द्वारा एक गाड़ी छोड़ने की एवज में पहले 10,000 रुपए का डिमांड किया गया, लेकिन गाड़ी ओनर के द्वारा 10,000 रुपए देने से इनकार करने के बाद गाड़ी ओनर ने 2,000 रुपए दिए, तब जाकर पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को छोड़ा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक पुलिस कर्मी द्वारा रिश्वत ली जा रही है। इस पुलिस कर्मी का रिश्वत लेते हुए किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति रिश्वत ले रहे हैं वह व्यक्ति किशोर कुमार हैं, जो लोहिया नगर थाने में सिपाही के पद पर कार्यरत है। अब रिश्वत लेते हुए पुलिस कर्मी का वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई कर पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो रिश्वत लेने का सिलसिला बिहार में लगातार जारी है और यही वजह है कि अलग अलग जिलों से तस्वीरें पुलिस कर्मियों की सामने आ रही है। जाहिर सी बात है, अगर जिनके कंधों पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारियां हों वो ही इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। इससे पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई थी उसमें वरीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया गया। हालांकि ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ फॉर नेशन तो नहीं करता, लेकिन ये वीडियो हम तक भी पहुंचा, इसलिए हमने सोचा कि वीडियो आपको भी दिखाया जाए किस प्रकार पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। हालांकि अब इस पर वरीय अधिकारियों ने क्या कुछ जांच की मांग रखी है, किस प्रकार इन्हें निलंबित किया जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपके पुलिसकर्मी को लेकर क्या कुछ राय है, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, किस प्रकार अपनी सुरक्षा को लेकर मांग रखते हैं, क्या ये न्यायपूर्ण है, पूरी बात आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।